नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो गए हैं। 15 मई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जिस परिवार की सालाना 1,80,000 रुपये से इनकम है, इससे कम आपकी इनकम है सालाना 1,80,000 रुपये से कम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे हरियाणा में कोई भी किसी भी जाति का इस फॉर्म को भर सकता है जिसकी साल में 1,80,000 रुपए से कम इनकम है, एक साल की टोटल करके, ठीक है, वो सभी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है दोस्तों, आपके पास होना चाहिए फैमिली आईडी कार्ड, जो अभी फैमिली आईडी कार्ड बने गए थे, ठीक है, फैमिली आईडी कार्ड, ट्रिपल पी, कई बार बोलते परिवार पहचान पत्र और फैमिली आईडी, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसमें आप धोखा ना खाएं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए परिवार समृद्धि योजना का जो फॉर्म है जिसमें सालाना 6,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, सालाना 6,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, जो भी इस फॉर्म को भरना चाहता है उसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए परिवार की जो है फैमिली आईडी होनी चाहिए। फैमिली आईडी आप कहाँ से बनाएंगे, यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है और आपने अब तक नहीं बनवाई है तो आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, मेरा परिवार .haryana.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना है, या आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप किसी भी CSC अटल सेवा केंद्र पर जाके इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, आपकी फैमिली आईडी बन जाएगी। फैमिली आईडी में आपको सभी डिटेल आपको अपडेट करवानी है, आपके बैंक की डिटेल आपको अपडेट करवानी है, किसी की पेंशन बनने के लायक हो रहा है, जैसे भाई कोई 60 साल के नज़दीक है तो वो अपनी बैंक की डिटेल, अपना वोटर कार्ड, अपना पैन कार्ड, यदि आप BPL कार्ड आपके पास है तो BPL कार्ड नंबर, ये सभी आपको इसमें अपडेट करवाने हैं परिवार पहचान पत्र में, तभी आपको सभी बेनिफिट मिलेंगे। और जो एजुकेशन भी है आपका वो सभी आपको इसमें अपडेट कराना है। एजुकेशन के साथ साथ यदि आप बेरोज़गार हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपको इसमें अपडेट करवानी है, तो तभी आपकी प्रॉपर है जो फैमिली आईडी बनेगी और उसके बाद ही आप जो है सभी सर्विस के लिए अवेल होंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, ये अभी कोरोना चला हुआ है, कोरोना की स्थिति में यदि अभी गवर्नमेंट ने स्कीम दी है कि भाई कोरोना का एक टाइम दिया है मार्च के बाद का और 31 मई तक का, उसके बीच में यदि किसी की कोरोना की वजह से डेथ होती है तो उसको 2,00,000 रुपये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो उस स्थिति में ये सभी को अप्लाई ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को इस बीमारी में खोया है, तो आपने अगर 31 मार्च के बाद किसी की मृत्यु हुई है और 31 मई के बीच में, ठीक है, तो वो सभी वो है 2,00,000 रुपए यहाँ पे लेने के हकदार है, उसका फॉर्म इससे जो है आपका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। और जब आप ये फैमिली आईडी का फॉर्म भरने जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, जो 18 साल से, ठीक है, 18 साल से 50 साल के बीच के हैं उनमें से परिवार के किसी भी एक सदस्य का या सभी सदस्य का हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसमें एक प्रीमियम कटता है ₹330 का एक प्रीमियम होता है और ₹12 का एक होता है, ये साल में एक बार आपके पैसे कटते हैं जो कि आपके बैंक की तरफ से आपके ये काटे जाएंगे। यदि आप ये योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो आपकी ये योजना है परिवार समृद्धि योजना, उसमें आपका फॉर्म है जो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसमें साफ साफ बोला गया है जो 18 साल से और 50 साल के बीच के हैं उनको अपने बैंक में जाना है 25 मई तक आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाके आपको बोलना है कि हमारा जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों हमारे जो है उसमें अप्लाई कर दीजिए, इसकी पहली जो किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट से कटेगी ₹330 और ₹12, ठीक है, तो ये साल में एक बार पैसे कटेंगे, पहली किस्त आपके खाते से कटेगी, उसके बाद जो है वो सभी किस्त है जो हरियाणा सरकार की तरफ से आपको दी जाएंगी। कहाँ से दी जाएंगी, वो 6,000 रुपये का जो आपको ये अभी बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये आपको सालाना दिए जाएंगे परिवार समृद्धि योजना में, इसके अंदर से ये ₹330 आपके प्लस ₹12 आपके जो है ये माइनस करके जो पैसे बचेंगे वो टोटली आपके खाते में दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये लगभग आपके 5600 समथिंग जो भी बनेंगे तो आपको ये पैसे आपको मिलेंगे। ये स्कीम आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो 18 से 50 साल के बीच में सभी को ये स्कीम जो है अप्लाई करवानी ज़रूरी होती है, आपको आप इसके अप्लाई करवा ले, जो 18 से जो 50 साल से ऊपर के हैं उनको ये जो है स्कीम अप्लाई उनकी होगी नहीं। योजना के अंतर्गत दोस्तों हरियाणा सरकार आपको सालाना 6,000 रुपये देगी,
ठीक है, आर्थिक मदद के लिए जो आपको दे रही है, उपरोक्त राशि को निम्न योजनाओं की लागत राशि काटने के पश्चात, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बोला वही है, जो 6,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी उसके अंदर से जो निम्न योजनाएं हैं, योजना जैसे अभी मैंने आपको जीवन ज्योति बीमा योजना बताई और सड़क योजना जो भी है वो योजना मैंने आपको बताई थी, उनके जो प्रीमियम है 330 रुपये और 12 रुपये जो भी हैं जिन्होंने परिवार वालों ने करवा रखा है सभी के टोटल जो प्रीमियम, इनको माइनस करने के बाद 6,000 में से जो माइनस करने के बाद बचेगा वो सारे आपके जो है कैश या आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और जो ये 6,000 रुपये हैं किसके खाते में आएंगे, ये आएंगे जो परिवार पहचान पत्र में आपका फैमिली हेड आपने बना रखा है, जिसका बैंक अकाउंट आपने प्रॉपर अपडेट करवा रखा है, IFSC कोड आपने अपडेट प्रॉपर करवा रखा है, तो उसी के खाते में जो है ये 6,000 रुपये आपके आएंगे। तो जिन्होंने भी अपनी फैमिली आईडी बनवा रखी उस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपके जो है ना बैंक खाते उसमें प्रॉपर अपडेट होने चाहिए, नहीं तो भैया बाद में उसमें ना अपडेट होंगे नहीं और आपके पैसे आएंगे नहीं, फिर जहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई करवाया है फिर वहाँ पे आप परेशान होगे, बोलो भैया हमारा फॉर्म भरा गया था, आपने फॉर्म भरा था, हमारे पैसे नहीं आए, सबके पैसे आ गए, हमारे पड़ोसियों के आ गए, हमारे रिश्तेदारों के आ गए, ठीक है। तो जो 18 साल से ऊपर है वो सभी साथी जिनका बैंक का खाता है उनको इसमें अपना बैंक अकाउंट है प्रॉपर अपडेट करवाना है, सभी अपना बैंक का अकाउंट है प्रॉपर अपडेट करवाएं, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में जो आपके पैसे हैं या जो प्रीमियम होता है उसमें आने जाने में आपको प्रॉब्लम होती है। और जो ये फॉर्म है दोस्तों, ये आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको भी ये फॉर्म भरवाना है वो 15 मई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आपके नज़दीकी CSC अटल सेवा केंद्र पर आप जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। मैं भी ये फॉर्म भरता हूँ, पानीपत में मेरा अटल सेवा केंद्र है, मनोज साइबर कैफे के नाम से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जो साथी अगर भरवाने में आपको परेशानी है तो मुझे आप पर्सनली जो है मेरे पास भी डॉक्यूमेंट भेज के आप अपने जो है फॉर्म घर बैठे भी भरवा सकते हैं, बीमारी का दौर है आप घर से बाहर कम ही निकले, ज़रूरी हो तभी निकलें, तो आप ये फॉर्म मेरे पास आप भरवा सकते हैं, बिना कहीं आए जाए घर पर बैठे आप भरवा सकते हैं। तो उसका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे ग्रुप के द्वारा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मई तक का इस फॉर्म को भरने का टाइम दिया हुआ है, सभी अपने फॉर्म को टाइम से भरवा ले। वेबसाइट डाउन हो सकती है, वेबसाइट में भी प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे जैसे इस पर वर्कलोड होगा 2-3 दिन में वेबसाइट जो है जाम होने लग जाएगी। आज दिन में मैं फॉर्म भरा था उस टाइम भी वेबसाइट डाउन हो चुकी थी। तो सभी साथी इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरवा ले, जिसको ये फॉर्म भरवाना है इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिसकी सालाना 1,80,000 रुपये से इनकम कम है, एक साल में इनकम है जो 1,80,000 रुपये से कम है, वो सभी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, पूरे हरियाणा में सभी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। यदि आपको इस फॉर्म को भरवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करें क्या प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जिन्होंने फॉर्म भर लिया है या जिसके पैसे नहीं आए हैं या पैसे आ चुके हैं सभी कमेंट करें, और आपको इस योजना से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट ज़रूर करें, सभी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।